सो अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम गंगोत्री धाम। हम लोग लास्ट टाइम 2019 में केदारनाथ बद्रीनाथ कंप्लीट कर चुके थे। इस बार हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स गमुक तपोवन ट्रेक भाया गंगोत्री धाम। अभी तो हम लोगों ने स्टार्ट किया, एक आज तो पूरा ट्रेक कंप्लीट नहीं करने वाले। आज हम लोगों का हॉल्ट है एट भोजबासा। तो वो जो देख रहे हो सफेद कलर का, मेरा उंगली जहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है, दैट इज गंगोत्री टेम्पल। तो हम लोग अभी वो बाईपास करके इधर से जा रहे हैं टुवर्ड्स गमुक तपोवन। चलो लेट्स गो। और रास्ता आप देख सकते हो स्टार्टिंग से ही थोड़ा बहुत पत्थर चारों तरफ बिखरा पड़ा हुआ है, बट ये तो कुछ भी नहीं है बिकॉज आगे हम लोग को क्या क्या मिलने वाला है वो बोलना मुश्किल है। माउंटेन पिक्स हम लोग को दिखा पूरा बर्फ से ढका हुआ। वो जो दिख रहा है मेरा पॉइंट जहाँ पे किया हुआ, दैट इज नोन एज सुदर्शन। और उसके साथ ये भी थ्रिल है कि रास्ता देखो क्या है, कुछ भी नहीं है बेसिकली। भैया का नाम है अखिल राणा। भैया हम लोग को पूरा ये ट्रेक कम्प्लीट करवाएगा टुवर्ड्स गमुक एंड तपोवन। तो वो है एक पोर्टर और पीछे में एक और है, तीन लोग हम लोग के साथ ये पूरा चार दिन ट्रेक में रहेगा। तो इधर लिखा है किलोमीटर वन, इसका मतलब है यहाँ से एक और किलोमीटर जाना पड़ेगा टुवर्ड्स गंगोत्री नेशनल पार्क का जो एंट्री पॉइंट है, जहाँ पे हम लोगों का पास वगैरह चेक होगा। तो रास्ते में आप लोगों को ऐसे बहुत सारा छोटा मोटा वाटरफॉल मिलेगा, बेसिकली व्हिच एड्स अप टू द नेचुरल ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। एक किलोमीटर हो गया शायद ऑलमोस्ट, सब लोग आके निकल गए। आई नीड टू कैच अप विद देम। सो वी आर ऑफिशियली इनसाइड द गंगोत्री नेशनल पार्क। यहाँ से हम लोगों का एक्चुअल ट्रेक शुरू है। ये साइड पूरा वैली दिखेगा, उधर सुदर्शन पीक अभी भी विजिबल है। तो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं फ्रॉम गंगोत्री टू भोजबासा 14 किलोमीटर, गोमुख इज लाइक 4 किलोमीटर, तपोवन इज 5 किलोमीटर, सो इट्स ऑल अराउंड लाइक 23 किलोमीटर। सो 46 किलोमीटर अप एंड डाउन विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट 4 डेज। सो काइंड ऑफ इज गोइंग टू बी वेरी हेक्टिक वन। यू कैन पॉज द वीडियो एंड चेक द एंटायर रूट मैप बिफोर कमिंग टू दिस ट्रेक। हम लोग यहाँ पे सीधे रास्ते पे चल रहे थे, बट अचानक देखा कि आगे रोड इज ब्लॉक्ड। गाइड रहने का यही सुविधा है कि वो आपको ठीक से गाइड करेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि रास्ता भटक जाते हैं हम लोग, वो नहीं होना है। रास्ता देखो कैसे क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। ब्रेक को रहने से बहुत एडवांटेज होता है। चलो चलो चलो, डोंट वेट। तो पलस बोल रहा था पानी का टेस्ट बहुत अच्छा है, हम लोग जो पानी पीते हैं कलकत्ता में उससे भी बहुत अच्छा है। Besides, I have a huge respect for these people who are carrying all these stuffs all the way अप टू गोमुक एंड तपोवन। सिलेंडर, सामान, बाल्टी, ऑलमोस्ट सब कुछ ही है। बारिश वारिश हो रहा है, वेदर कैसा है? ठीक है ना, मौसम क्लियर है? क्लियर है, थैंक यू। तपोवन कैसा था? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं होना? नहीं नहीं, 78। यू आर इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस। बहुत अच्छा लगा मुझे। दिस पीपल आर लाइक रियल इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस, टू ऑल द यंगस्टर्स जो लाइक 2-3 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग इतना ब्रेक ले रहे हैं। घर में बैठ के दारू पी रहे, कुछ करो यहाँ पे आके। ऑन द वे वी आर हैविंग आवर फर्स्ट हॉल्ट, ए स्मॉल ब्रेक यू कैन से। एप्पल अगेन, कल का एप्पल ये खाना है अभी आज। गिव मी सम मंच। सो वी आर हैविंग मंच। मैं एप्पल नहीं खाता हूँ घर में, कभी नहीं खाता हूँ, इतना सुंदर है, इतना मैं 10 खा लूंगा। तो सुदर्शन के साइड में एक और स्नो पीक हम लोग को दिखा, इधर गाइड ने बोला मंदा पिक। आगे और भी ऐसा बहुत सारा व्यू मिलेगा। इसे बोलते हैं गंगा तुलसी। इसको अगर ऐसे सूखोगे ना तो बॉडी में ऑक्सीजन सेचुरेशन बढ़ता है, तो नेचर ने जहाँ जो चाहिए वहाँ वो दे के रखा हुआ है। जस्ट लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस माउंटेन यार, दिस इज ऑसम, लाइक एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा है। तो हम लोग सीधा आकर देख रहे हैं यहाँ पे रास्ता ख़त्म, शायद जाना पड़ेगा वहाँ से एक छोटा जो पुल दिख रहा है वो क्रॉस करना पड़ेगा। दूसरा वाटर क्रॉसिंग, ऐसा कितना मिलेगा मेरे को तो पता नहीं, बट वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट। एक हाथ में एक गोप्रो लेके दूसरे हाथ में बैलेंस बनाना थोड़ा बहुत तो मुश्किल है। आई मेड इट। रास्ते का हाल ऐसा हो गया, देखो पूरा बोल्डर है। यू नीड टू माइंड योर स्टेप्स इफ यू आर नॉट श्योर,
जस्ट चेक विथ योर ट्रेक पोल इफ द रॉक इज लाइक सॉलिड और नॉट. 16 साल का हो भाई, हम लोग 28-29 हो के हम लोग का हाल खराब हो रहा है पूरा. और इसको थोड़ा शेक करेंगे. दिस विल इमेंसली हेल्प इफ यू आर गेटिंग डिहाइड्रेटेड. तो शेक कर, ये बन गया हम लोग का एनर्जी ड्रिंक. थोड़ा ऊपर चढ़ना पड़ रहा है सीढ़ियों से. आई नीड टू स्टे एट द एक्सट्रीम लेफ्ट बिकॉज यहाँ पे कोई बेडियर वगैरह कुछ नहीं है. कुछ मिस हो गया तो सीधा नीचे. रूट थोड़ा कैमरे में दिखाना मुश्किल है. देखो एकदम नीचे है, एकदम डाउन साइड. अभी आपको समझ में आएगा. इतना भी कुछ टफ नहीं था बट स्लिपरी है, थोड़ा स्लिपरी है, छोटा मोरेन है ना. सो वी गॉट अनदर नेचुरल वाटरफॉल. वो एकदम ऊपर से आ रहा है, देखो पूरा ऊपर से नीचे तक. वी कैन ड्रिंक इट राइट. आप अगर इस तरफ से आ रहे हो तो उधर कौन आ रहा है आपको दिखेगा ही नहीं. पूरा एकदम ब्लॉकेज है. और ये स्ट्रक्चर के बारे में मैं जितना बोलूँ वो कम पड़ेगा. इधर थोड़ा बहुत बैठ के रेस्ट भी ले सकते हो. ऐसा नहीं है कि पूरा रास्ता खराब है, बीच बीच में बहुत सारा प्लेन रोड है. सो वी आर टेकिंग आवर सेकेंड ब्रेक एंड वी आर हैविंग कुकीज जस्ट टू गेन सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी. तो मेरा वही सजेशन है कि अगर आप इतना लंबा ट्रेक में जा रहे हो तो ऐसा कुकीज स्नैक्स ड्राई फ्रूट कैरी करो, बहुत काम आएगा. आगे कुछ भी दुकान कुछ नहीं है जहाँ बैठ कर आप थोड़ा बहुत मैगी ऑमलेट खा सकते हो. सो राइट नाउ इट्स 2 इन द आफ्टरनून. वी स्टार्टेड अराउंड 10:15. अभी तक ओनली 7 किलोमीटर कवर हुआ. हम लोगों को आगे वहाँ तक जाना है. सो ऑल ऑफ अ सडन वी गॉट दिस नैरो लेन. पेड़ में बहुत कांटा है, कांटा चुभ रहा है मेरे को. खराब है और मुझे ना पता नहीं क्यों मुझे चक्कर आ रहा है, बाकी लोगों को भी थोड़ा बहुत आ रहा है. सो राइट नाउ वी ऑल आर हैविंग आवर लंच. चिरबसा तो पहुंचे नहीं राइट. चिरबसा और भी दूर है राइट. सो आई एम ऑल्सो हैविंग माई पराठा इन द मिडस्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल वैली. बहुत अच्छा लग रहा है. सो फाइनली वी रीच चिरबसा. वो जितने भी पेड़ दिख रहे हैं उसका जो नाम है वहाँ से ये जगह का नाम हुआ है चिरबसा. यहाँ पे एक बार अगर अंधेरा हो गया इतना ज़्यादा ठंडा हवा चलेगा दैट इट कैन बी अनबियरेबल. तो एट चिरबसा वी गॉट अनदर क्रॉसिंग. ये क्रॉसिंग का वेट थोड़ा ज़्यादा है. ये लकड़ी का पुल तो वैसे तो मेरे को थोड़ा बहुत दूर से देख के पतला लग रहा था, इतना मजबूत नहीं लग रहा था. चलो लेट्स गो. ये पुल एक टाइम पे एक ही लोग क्रॉस कर सकता है. जिधर भी हम लोग जा रहे हैं मतलब और थोड़ा स्टीफ हो रहा है रास्ता. मतलब मैं सोचा था कि आफ्टर चिरबसा रास्ता थोड़ा ठीक होगा बट वी डोंट हैव एनी लक. तो जिसका मुझे बहुत देर से इंतज़ार था, एक प्रॉपर रेस्ट कैंप, वो फाइनली हम लोगों को मिला एट चिरबसा. इवन इफ दे से दैट दे आर ऑल ओके एंड गुड, आई एम नॉट एग्रीइंग टू दैट राइट. ट्रिक आएगा और ट्रिप जाएंगे. चिल ट्रिप ना, चिल ट्रिप. लाइक आई मेंशनड इट्स अराउंड 5 इन द इवनिंग एंड शाम होते होते यहाँ का टेम्परेचर में एब्रप्ट चेंज हम लोगों को दिखने में आ रहा है. और मैंने भी एक जैकेट चला लिया. 12 डन, 2 टू गो. 12 नहीं, ऑलमोस्ट 12.5 किलोमीटर हो गया है मान के चलो. तो सामने देख सकते हो पूरा क्लाउड डिपोजिशन हो रहा है. तो ये क्या, थोड़ी देर पहले जो पूरा पीक विजिबल था भागीरथी 1-2 अभी पूरा ढक गया है. प्लस इज शोइंग दैट हाउ मच किलोमीटर वी वॉक्ड. यू कैन सी 13.32 किलोमीटर विथ. अभी भी लाइट है, इट्स अराउंड 5:30. एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और 30 मिनट्स मैक्स. बोलते बोलते थर्ड लकड़ी का पुल भी आ गया. सो आफ्टर अ लॉट ऑफ हसल एंड बसल वी फाइनली मेड इट टू GMVN भोजबासा. शरीर का सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम GMVN भोजबासा. दिस इज आवर नेक्स्ट डे एंड हम लोग अभी जाएंगे टुवर्ड्स तपोवन. और टू आवर अटर सरप्राइज नींद से सुबह उठ के हम लोग को भागीरथी 1-2-3 पूरा पीक देख गया. और हमारे पोटर भाई साहब, क्या नाम है भाई आपका? कुमारगिरी. कुमारगिरी हमारा दूसरा भैया, पोटर भैया आपका नाम. हमारे ट्रेक लीडर से तो आप मिल चुके हैं पहले, राणा भाई साहब. तो अभी हम लोग भोजबासा से गोमुख की तरफ निकल पड़े. लेट मी शो यू अ फैसिनेटिंग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हियर ऑन द वे टू गंगोत्री.
ये जो मैनुअल पुली आपको दिख रहा है, इट इज़ हैंडमेड पुली। यहाँ पे लोग चढ़ते हैं और दो दो करके ये नदी क्रॉस करके वो साइड जाते हैं, और उसका ये लाइन लगा हुआ है। तो ये ही इसका सेटअप, इसके अंदर दो लोग बैठेगा अंदर जाएगा। और पहले तो हमारा रूट जो है बाईं साइड से था, गोमुख पहुंचते थे वो साइड से। हाँ, ये भागीरथी टू के नीचे गोमुख ग्लेशियर यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे सूर्यकुंड था ऊपर, वहाँ पे जो है एक झील थी, वो झील टूटी। अच्छा। और उसने जो है ये पूरा मलबा लाया, इधर से जो रूट था हमारा पहला वो सारा बंद हो चुका, यहाँ से जा नहीं सकता। अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो है इमरजेंसी के लिए ये यहाँ पे बिल्कुल सेफ है, पर आपको पता होना चाहिए इसमें कैसे जाना है, कैसे बैठना है, कैसे यूज करना है। तो यहाँ पे सप्तर्षि और सौरभ ये पुली को इधर लाने की कोशिश कर रहा है। बाय पलस, बाय। नीचे भागीरथी देखो और हम लोग ऊपर ऐसे। अरे ये रुक गया भाई, बीच में रुक गया क्यों? नहीं, मेरे को एक ही डर था कि पानी क्रॉस हो जाए उसके बाद रुके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। संजय फोन संभाल के, ठीक है। और नीचे भागीरथी का टर्बुलेंस, इधर अगर फोन वगैरह कुछ गिर गया तो सीधा आपको मिलेगा गंगोत्री हर्षिल में। तो हम लोग वहाँ से स्टार्ट किए थे, अभी इधर तक आ गए, पीछे हम लोगों को खींच रहे, देखो। और ये एक बात याद रखना, कभी भी यहाँ पे बैठ के ऊपर ये रस्सी को टच मत करो, बोला कि अगर टच करना है तो लाइक हाथ कट हो जाएगा, ठीक है, बहुत शार्प है, कभी भी टच मत करो, गलती से भी ना। बहुत ही टफ चीज़ है क्योंकि ये हैंडमेड पुली है, और हम तीनों का वजन और ये बैग का वजन भी ये लोग कैरी कर रहे हैं। तो ये लोग बोल रहे थे बहुत दिन तो बंद ही पड़ा हुआ था, बिकॉज बीच में कोविड की वजह से बहुत लोग आए नहीं थे। तो हम लोग का टीम का लास्ट दो लोग सप्तर्षि और पलस करेंटली इज लाइक कमिंग ऑन दिस साइड, एंड दे हेल्प इमेंसली सो दैट वी कैन रीच ऑन द अदर साइड। तो ये मैनुअल पुली क्रॉस करने के बाद ऐसा बोल्डर वाला रास्ता मिलेगा। हाँ, इधर से ही होगा, बना हुआ है ऑलरेडी। तो ये ग्लेशियर का पानी है, ठंडा होगा एकदम, वो ऊपर से आ रहा है सीधा नीचे तक, और भागीरथी के साथ जाके मिक्स हो रहा है। अभी एक और चैलेंज आ गया, इट्स कमिंग मोर फ्रिक्वेंटली राइट नाउ। इधर लोग बैठ के थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट भी कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट तो नहीं कहूँगा, थोड़ा बहुत जो भी ड्राई फ्रूट स्नैक्स है वो वगैरह खा रहे हैं। आज ऑलमोस्ट 8.5 से 9 किलोमीटर हम लोग कवर करने वाला है टुवर्ड्स दैट पीक, दैट वाइट ब्यूटिफुल पीक। कल उधर बर्फ बड़ी हुआ है ना, तब हुआ कल हुआ था ऊपर। कैसे है? पूरा कंप्लीट करके आ गए वहां से? हां, वी लेफ्ट एट 6, वी आर इन तपोवन एट 8:30। ओके, फ्रॉम गंगोत्री आई एम गोइंग बैक टू हर्षिल टुडे। सो वी हैव रीच्ड वेरी क्लोज टू गोमुख, उधर भागीरथी, थोड़ा बहुत रिफिल करना है वाटर बॉटल, यहां से ही कर लेंगे, ये पानी बहुत ही फ्रेश और ठंडा है। आई मस्ट से व्हेन वी गॉट डाउन फ्रॉम दिस टेरेन वी सॉ दिस plain land and it brought us immense pleasure because finally after some time we got plain land to work. ये बहुत rigorous work है, एक बार uphill एक बार downhill, पर ऐसा plain land दिखेगा तो थोड़ा बहुत तो खुशियाँ तो आएगी। और आगे रास्ता और भी चढ़ाई है, और ये देखते देखते चलो तो सारे जितना दर्द वगैरह है बॉडी में वो आपको फील नहीं होगा, दिस थिंग आई कैन अश्योर यू। सो वी आर हैविंग आवर लंच इन द मिडस्ट ऑफ दिस एंटायर वैली। हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं मूढ़ी जो बंगाल से हम लोग लेके आए हैं। हम लोग का खाना हो गया, अभी ये लोग खाना खा रहे हैं। खाओ खाओ खाओ, डरने का कोई बात नहीं है, खाना खाओ। इधर इन लोगों का चल रहा है, उधर हम लोग का ट्रेक गाइड बैठा हुआ है। All are in the mid of this valley. Isn't it amazing? वीडियो में आपको ये रास्ता देख के लग रहा है कि बहुत ईजी है, कर लोगे, आई रिपीट इट्स नॉट। आपको बहुत सारा मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए ये तपोवन तक जाने के लिए। गोमुख तक तो ठीक था, वहाँ हम गोमुख को छोड़ के आ गए, अभी तपोवन का रास्ता आप देखो। तो इफ यू आर अ ट्रेक लवर यू विल फील दैट ऑसम मोमेंट व्हेन यू विल सी दैट भागीरथी 1 2 3। हम लोगों को वहाँ तक चढ़ना है।
हम लोगों ने अभी यहाँ से पानी भरा, ये रास्ता क्रॉस करके हम लोग ऊपर जाने वाले हैं। बाकी के दोस्त लोग वहाँ पहुँच गए ऑलरेडी। ये है गोमुख गुफा। ये आने के टाइम पे हम लोग यहाँ पे रुके गए। वी आर हाई ऑन एनर्जी सो वी आर गोइंग डायरेक्टली टुवर्ड्स तपोवन। एकदम नीचे से क्रॉल करते हुए हम ऊपर आए। मैं गाइड भाई साहब संजय वहाँ पे अभी थोड़ा बहुत रेस्ट ले रहे। ये जो ब्लैक कलर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है वहाँ से ये पूरा एरिया, दिस इज लाइक गंगोत्री ग्लेशियर। ओके, ये बोल्डर मोरेन सब कुछ जमा होकर इसका कलर पूरा चेंज हो गया है। भागीरथी 1, 2, 3 सिस्टर्स अभी विजिबल है। उधर थोड़ा बहुत क्लाउडी पोजिशन हो रहा है। मैं कहाँ पे बैठा हूँ वो भी देख लो, ऊपर बोल्डर वगैरह है। जहाँ पे मैं बैठ रहा हूँ ना, द गाइड इज सेइंग कि इट्स रॉक फॉल प्रोन एरिया। शरीर अभी और साथ नहीं दे रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, फिर भी मतलब मुझे आज कॉन्कर करना है तपोवन, जाना है वहाँ पे। हाँ, तो जिसके लिए हम लोग इतना दूर तपोवन तक ट्रेक करके आए, द मेन अट्रैक्शन माउंट शिवलिंग स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, दैट इज माउंट शिवलिंग स्टैंडिंग अपार्ट एंड टॉल। हम लोगों को थोड़ा आगे और जाना है, बट मेरे को मन लग रहा है कि अभी यहाँ पे ही सो जाऊँ। सो माई फ्रेंड इज लिटरली क्राइंग आफ्टर सीइंग दिस एनॉर्मस व्यू, इट्स सुपर, आई कैन एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स। तो आप लोग देख सकते हो इट्स मॉर्निंग अराउंड 6:30 एंड सनराइज हो रहा है माउंट शिवलिंग के ऊपर। वो सूरज का पहला किरण जो इधर बहुत ही अच्छा है सनराइज देखने के लिए। उधर है भागीरथी सिस्टर्स, वहाँ से सूरज का किरण रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे माउंट शिवलिंग पे गिर रहा है। सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम तपोवन। वी आर स्टैंडिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ माउंट शिवलिंग और ये है मौनी बाबा का आश्रम जहाँ पे हम लोग कल रुके थे, आज भी रुकने वाले हैं बिकॉज टुडे इज आवर बफर डे। वैसे तो तपोवन इज नोन फॉर इज प्लेन ग्रास लैंड, आप देख सकते हो उधर बहुत प्लेन ग्रास लैंड है एंड सदियों सालों से मुनि ऋषि यहाँ पे आके तपस्या करते थे। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि गोमुख तक होके फिर भोजबसा होके वापस गंगोत्री चले जाते। बेसिकली इसका जो शेप है, आकार है, ये शिवलिंग की तरह है, वहाँ से इसका नामकरण हुआ है। मेनी यूरोपियन टूरिस्ट नेम्ड इट एज मैटरहॉर्न पीक बिकॉज इसका सिमिलरिटी स्ट्रक्चर वाइज अल्पाइन पीक से मिलता जुलता है। इधर आप देख सकते हो कि यहाँ पर तो बिजली अभी तक आया नहीं, तो सोलर पैनल चार्ज हो रहा है सब। तो एकदम माउंट शिवलिंग के सामने हम चाय पी रहे हर हर महादेव। तो अभी हम लोग ये बाबा जी का आश्रम उस तरफ छोड़ के थोड़ा इधर जा रहे हैं, तो चलो रुकना नहीं है। हाँ, पहले देख ले वो स्लिपरी है कि नहीं। Though today is like a buffer day for all opposite Tapoban, but my rest of the teammates are like quite restless and they decided to trek further towards Khada Patthar, so which is like another 1.5 hour uphill task from Tapoban base. So at the same time I must say today the weather is fabulous, matlab isse acha view mil hi nahi sakta, dekh sakte ho baki ke log ja rahe hain thoda aage ki taraf. And I must say, like yesterday, we were quite fortunate that we got a clear picture of view of Mount Shivling. But today, luck is not with us. It is covered under thick cloud. As usual, नीचे आप लोगों को गंगोत्री ग्लेशियर दिखेगा। ऊपर से व्यू बहुत ही मस्त आ रहा है। और जो ब्लैक पैचेस आप लोगों को दिख रहा है, those are like glacier lakes. So these are called like crevasses. And मैं जहाँ पे point कर रहा हूँ, that plain land is नंदनवन और उसका ठीक लेफ्ट में बाजू में है चतुरंगी ग्लेशियर जिसका पानी नीचे आके गंगोत्री ग्लेशियर के साथ मिक्सअप हो रहा है। एंड आप राइट साइड पे धीरे धीरे करके जाओगे तो भागीरथी 1, 2, 3 आर लाइक क्लियरली विजिबल। एवरी टाइम आई एम गेटिंग लिटरली स्पीचलेस व्हेन आई एम सीइंग दिस व्यू। एंड भागीरथी सिस्टर्स के ठीक राइट साइड पे दैट व्हाइट कलर्ड स्नो कवर्ड पीक्स आर यूर विजिबल राइट, सो दैट पार्ट इज नोन एज खर्च कुंड। हम लोग वो साइड ही थोड़ा आगे जा रहे हैं टुवर्ड्स खड़ा पत्थर। So let me show you a fascinating thing at an altitude of 14,000 feet playing cricket at Tapoban Valley. हम लोगों का 6 लोग और हम लोगों का राणा भैया बॉल कर रहे हैं अभी।
ओए खिचड़ी गर्मा गर्म और इधर सब लोग बैठ के ब्रेकफास्ट में खिचड़ी खा रहे हैं। तो आप बोलिए कुछ इस जगह के बारे में, तपोवन के बारे में। इतनी खुशी यहाँ का जो हासिल होगी हाँ, हाँ। वो आने से ही हो महाराज। हाँ भागीरथी उस तरफ, इधर शिवलिंग। हाँ, हाँ। लाइक हम लोग बहुत लकी है, मौनी बाबा जी हम लोगों सबसे बात कर रहे हैं क्योंकि बाबा जी लास्ट 12 साल से मौन व्रत पे थे। आप ये हाल ही में मौन व्रत तोड़ा है। कुछ भी हो, कष्ट हो, दुख हो, वो मैटर नहीं रखता। सही बात है। ये देखो अभी हम लोग नीचे उतरने का टाइम, कितना सावधानी से हम लोग को नीचे उतरना पड़ रहा है। साइड फुट, साइड फुट। गोमुख तक हम लोगों को जाना है, वहाँ पे हम लोगों का पहला स्टॉप है। लिटरली वी आर क्रॉलिंग। थोड़ा लंबा होने की वजह से मेरे को थोड़ा सुविधा मिल सकता है। अब देख सकते हो कैसे कैसे रास्ता क्रॉस करके हम लोग को नीचे जाना पड़ रहा है। तो साइड स्टेप करके देख लेना चाहिए कि पत्थर लूज है कि नहीं, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है नीचे उतरने के टाइम पे। और उधर सामने गंगोत्री का ग्लेशियर है। गाइड भैया कैसा संजय नीचे आ रहा है, उधर से झरने का पानी भी जा रहा है। दिमाग खराब हो गया ये रास्ता नीचे क्रॉस करते करते। तो फाइनली वी आर जस्ट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ गोमुख केव, जहाँ से भागीरथी का उत्पत्ति हुआ है। इसका साइज देखो कितना बड़ा है, पूरा ही ग्लेशियर है, फ्रोजन ग्लेशियर। हमने देखा है तो 2-3 किलोमीटर पीछे था। हाँ नीचे 3 साल में इतना बैक हो रहा है, बहुत फास्ट मेल्टिंग हो रहा है इसका। ग्लोबल वार्मिंग के वजह से ये ग्लेशियर का जो पोजीशन है बहुत पीछे पीछे आ रहा है और उतना बैक पे चला गया है। इसका जो शेप है देख के लग रहा है किसी 10-story बिल्डिंग से तो कम नहीं होगा मिनिमम। मेन अट्रैक्शन गोमुख, द केव एट तपोवन, बोथ आर डन, वी मेड इट। चलो ब्रो, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज ब्रेकफास्ट में क्या है। गर्मा गर्म सूजी का हलवा ले लो यहाँ से। क्लाउड डिप्रेशन होके रखा है टुवर्ड्स गोमुख एंड तपोवन। ये इंडिया हाइक्स और उसका लोग भी जा रहे हैं टुवर्ड्स उस साइड। कल हम लोग जहाँ पे थे ये टेंट पे बहुत ही ठीक ठाक था। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टुवर्ड्स गंगोत्री और भोज बस से स्टार्ट करने वाले हैं लाइक इन नेक्स्ट 30 मिनट्स। एकदम नेचर के बीच में ऐसा टेंट पे रह के देखो उसका मजा ही कुछ अलग होगा। आई कैन बेट दैट। These are all glaciers coming downstream. So you can see 3 streams over there. One here, one there, and another over there. कुछ दिन बाद ही ये बर्फ से भर जाएगा पूरा। To all the trekkers coming to mountains, please don't throw garbage here and there. हम लोग ऐसे चलते हुए जहाँ पे गार्बेज देख रहे हैं हम लोग अपने पीछे के बैग में लेके हुए जा रहे हैं। Yes, clean हिमालय, green हिमालय। तो ये जो पिक्स सारे देख रहे हो ये मुझे लग रहा है कल ही फ्रेश स्नोफॉल हुआ है यहाँ पे। बोल्डर का कलर भी डिफरेंट है, येलो कलर है। सो टू ऑल द ट्रेकर्स, इफ यू आर कमिंग टू गोमुख तपोवन ट्रेक, दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट। जस्ट अबाउट टू एंटर इन द रॉकफॉल प्रोन एरिया, सो हियर इट इज रिटन प्लीज वॉक केयरफुली। यहाँ पे ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, ऊपर से देख सकते हो कभी भी पत्थर नीचे गिर सकता है। देखो ऊपर का व्यू देखो, कभी भी पत्थर गिर सकता है ठीक है। तो ये जगह अगर आपको मिले रास्ते पे जितना जल्दी हो सके अपना जान बचा के भागो। अरे यहाँ पे ज़्यादा हीरोगिरी मत करो क्योंकि हीरोगिरी का अगर कुछ इम्पैक्ट हुआ तो दाम आपको चुकाना पड़ेगा। अभी रास्ते पे बहुत सारा ऐसा शिप्स वगैरह दिखा जो ऊपर से जा रहा है ठीक है, और वही पत्थर नीचे गिर रहा है। तो थोड़ी देर हम लोग वेट कर गया, उसके बाद जा रहे। हरि ओम हरि ओम। यहाँ पे तो लैंडस्लाइड ज़्यादा नहीं हुआ है पर ये पत्थर बोल्डर ही ज़्यादा मिलेगा आपको। सो यू आर ऑन द वे टू चिरबसा।
hip, hooray! Hip, 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 hooray! So I have kept this vlog intentionally long so that you guys can get every single minor details before coming to this trek. And yahan tak agar video ko dekh liya ho to like aur comment ka bina mat jana. If you are new to the channel, then do subscribe my channel, The Bong Wayfarer, to get notified about our upcoming travel vlogs. DM me your queries as well on my Instagram account as iamroy92. Till then, goodbye, take care, see you soon.